एवरी वन दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट और वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमेंट बॉक्स की क्वेरीज कमेंट बॉक्स की तो नहीं है ये आज जो मैं क्वेरी लेने वाली हूँ ये है इंस्टा से प्लीज़ 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 ज़रूर देखें ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप मुझसे जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं वो कंप्लीटली आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है तो मैं ये क्वेरीज़ के सेशन इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि वहाँ इतना सारा टाइप करना पॉसिबल नहीं है यहाँ आपको डिटेल में पता चल जाएगा और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज सुनेंगे तो आपकी भी उनमें से कोई क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी जो आप लिख नहीं पाते हेजिटेशन की वजह से राइट सो चलिए ये है आज जो मुझे लिखा है मानसी ने मानसी थैंक यू सो मच आपने मुझे एक रिमाइंडर भी दिया था चैनल पे कि आपने मुझे क्वेरीज लिखी हैं थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग एंड आपकी जो क्वेरीज हैं आपने कुछ फाइव पॉइंट्स लिखे हैं राइट right? तो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी नॉर्मली ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं या तो इनके ऑलरेडी मेरे पास सेशन बने हुए हैं या फिर इनका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है तो वो मैं दे देती हूँ फर्स्ट इज हाउ एन नेचर शुड हैंडल ग्रीवेंस रिगार्डिंग हेरासमेंट डिस्क्रिमिनेशन अदर कंप्लेन्स सो so, अब आप पूछ रहे हैं कि भाई एच कैसे हैंडल करेगा हरासमेंट डिस्क्रिमिनेशन और अदर कंप्लेन को सबसे पहले तो देखिए ग्रीवेंसेज बहुत तरीके की होती हैं हर ग्रीवेंस एच हैंडल नहीं करता राइट right? पॉलिसीज़ में मेंशन होगा कि किस तरीके की ग्रीवेंसेज के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है कमेटीज़ बनती हैं इसमें अगर हरासमेंट uh, रिलेटेड uh, है तो हरासमेंट रिलेटेड देखिए प्रॉपर एक्ट है हरासमेंट का Companies के अकॉर्डिंग और प्रॉपर कमिटी होती है जिसमें हो हो। जो भी पॉलिसी होगा उसके अकॉर्डिंग सबकी नॉर्मली जो ये ग्रीवेंस है इसकी प्रॉपर कमिटी होती है कमिटी में मेंबर्स होते हैं चेयरमैन होते हैं वहाँ कंप्लेंट्स जाती हैं और एच भी गाइड यही करता है कि अगर इस तरीके की कोई कंप्लेंट्स है तो वहाँ पर रूट हो मेल हो सकती है एच को भी में, लेकिन हर चीज एचआर शॉर्ट आउट नहीं करेगा पहले ये जो इसके लिए हमने कमिटीज बनाई हुई हैं वहां से पहले सारी चीजें आएंगी उसके बाद हमारे वो पास आएगा ये ओके? So, ये depend करता है कि किस तरीके की आप कंप्लेंट की बात कर रहे हैं किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं कौन सा हरासमेंट है क्या है ओके ये सिचुएशन केस टू केस डिफर करेगा ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कह दूँ कि हर एक चीज के लिए ये एच ही -E करेगा या हर एक चीज कमिटी ही सॉल्व करेगी ओके okay? सो so, ये इस पर डिपेंड करेगा नेक्स्ट आता है हाउ शुड एन एच आर डील विथ कंफ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय और मैनेजर्स और टीम्स एंड मैनेजर्स इसका एक सेशन बना हुआ है ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्ले लिस्ट है वहां से आप चेक कर सकती हैं उसमें है डिसग्रीमेंट एक डिसग्रीमेंट का सेशन बना हुआ है हाउ टू हैंडल डिस एट वर्क प्लेस ओके वहां से आपको समझ आ सकता है वहां पे अगर आप देखते हैं और कुछ चीज समझ नहीं आए तो वहां पे पोस्ट करें मुझे कमेंट राइट right? मैं आंसर कर दूंगी नेक्स्ट इज वेन टू डू वन टू वन कन्वर्सेशन और प्राइवेट डिस्कशन और अ मीटिंग रिगार्डिंग मिसअंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंडिंग सॉरी एंड कन्फ्लिक्स इन वर्क प्लेस ना देखिए अगेन ये जो आपका थर्ड पॉइंट है ये ना सेकेंड वाले पॉइंट से लिंक हो रहा है डिसएग्रीमेंट एट वर्क प्लेस में मैंने बताया हुआ है आपको किस किस तरीके से क्या प्रोसेस फॉलो करना है किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए राइट right? तो ये आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको दोनों ही डिस्कशन करने पड़ेंगे पर्सनल प्राइवेट भी करना पड़ेगा अलग से और मीटिंग भी बुलानी पड़ेगी इंडिविजुअली जितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे बात करना जरूरी है ऐसे आप नहीं कर सकते कि बस आपने सब कुछ किसी और पे छोड़ दिया और आपने मीटिंग लेकर काउंसलिंग नहीं करी या फिर उनके डिस्प्यूट्स नहीं समझे ओके अगेन आई एम सेग कि ये चीज़ इतनी सी नहीं है मैंने डिटेल में सेशन बनाया उसको ज़रूर चेक करें वेन टू गिव अ वार्निंग एंड वेन टू टेक लीगल एक्शंस नाउ अगेन वार्निंग और लीगल एक्शंस क्या होते हैं वार्निंग देखिए शो कॉज नोटिस होता है सबसे पहले तो ऐसे किसी को कोई वार्निंग नहीं दी जाती किसी भी पर्पज़ के लिए राइट right? आप मुझे अगर कोई सिचुएशन बताएंगे तो ज़्यादा बेटर है मैं इसको क्लियर कर सकती हूँ कि किस सिचुएशन में क्या हो रहा है ऐसे एन नंबर ऑफ सिचुएशन है जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि वार्निंग कब दी जाती है वार्निंग एक बहुत आगे वाली चीज़ है एम्प्लॉइज़ हैं हम लोग एच आर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी बात एम्प्लॉयज़ से कह सकते हैं ओके सो so, वार्निंग बहुत ही लेटेस्ट स्टेज पे दी जाती है सबसे पहले तो शो कॉज नोटिस होते हैं कॉज नोटिस होता है जब हम पूछते हैं जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आई तो हम पहले जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है उससे पूछेंगे उसे मेल करके वर्बली या जो भी प्रोसीजर आपके यहाँ राइट रिटर्न में पूछ सकते हैं अगर बहुत अच्छे टर्म्स हैं आप वर्बली भी पूछ सकते हैं और फिर मेल भी कर सकते हैं तो प्रॉपरली आप इसको पहले पूछेंगे उसके बाद वार्निंग और लीगल एक्शंस की बारी आती है लीगल एक्शंस तो बहुत ही लास्ट में होते हैं म्यूचुअली हर चीज़ को देखें निपटाने की कोशिश करिए लीगल पे ऐसे मत जाइए ऐसे तो हर एक छोटी छोटी सी चीज़ पर हम लीगल में जान लगेंगे तो काम करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारा काम है एज एन ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना अच्छे से और बैलेंस बिठाना एक एम्प्लॉयर कंपनी और उसके बीच में एम्प्लॉय के बीच में लगता है सबको कि जो एच आर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शंस लेते हैं लेकिन उन एक्शंस के पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है वो तभी एक्शंस लिए जाते हैं ऐसे कोई किसी को के अगेंस्ट लीगल एक्शंस नहीं ले सकता राइट सो चलिए नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन आई एम विच ग्रीवेंसिस हैज टू बी फाइल्ड और द मैटर कैन बी रिजॉल्व बाई डिस्कशंस ग्रीवेंसेस किस तरीके के हो सकते हैं जिसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्कशन इसका भी आंसर मैंने वही किया है कि हर टाइप का रेजोल्यूशन जो ग्रीवियंस है वो सॉर्ट आउट हो सकता है डिपेंड करेगा अगेन कि, कि किस टाइप का ग्रीवियंस है जो सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है म्यूचुअली हर चीज़ डिस्कस होकर हो सकती है और किसके थ्रू आया है वो ग्रीवियंस राइट right? मतलब कमिटीज़ में जाना है आपके पास स्ट्रेट नहीं आ रहा है पॉलिसीज़ बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के जो ग्रीवेंसेज हैं वो कहाँ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिसीज़ होनी ज़रूरी है अदरवाइज़ आप छोटी से छोटी हर चीज़ निपटाते रह जाएंगे एज एन एच कंपनी में और जो और लोग हैं वो तो बस मजे ही लेते रह जाएंगे कि कुछ भी हुआ बच्चों की तरह रन अराउंड होके एच आर के पास पहुंच गए और वो स्कूल टीचर की तरह सबकी क्लास लगाया जा रहा है ये नहीं होता सब लोग बहुत ग्रोन अप है सब लोग वर्क करने आ रहे हैं तो उनका प्रॉपर सिस्टम बनाइए जैसे कि उन्हें भी पता चलेगा कि कोई चीज़ कमेटी के पास जाएगी फिर बात सुनी जाएगी बात होगी तो इट विल बी अ बिग थिंग ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्सन के पास गए कि एक एच से फ्रेंडशिप है या एच से कुछ प्रॉब्लम है तो बस उसके पास लेकर पहुँच जाओ राइट तो आई होप सो मैंने क्लियर करा है ये आई थिंक बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया लेकिन मुझे ये अच्छे से क्लियर करना था और स्टिल मैं आपसे कहूंगी कि वो सेशन ज़रूर देखें बिकॉज वहां से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी राइट एक और मैं चाह रही हूँ क्वेरी ले लेती हूँ क्योंकि बिकॉज़ ये तो एक ही एक क्वेरी में तो बहुत टाइम हो जाएगा तो मुझे एक और क्वेरी भी लेनी चाहिए एक और आई है मेरे पास क्वेरी ये आई है दिप्रो रॉय से इंस्टा पे और फॉर्चुनेटली गई है या अनफॉर्चुनेटली गई है इन्हीं की एक क्वेरी मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन में भी ली थी जो सबसे पहला सेशन लिया था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था तो इन्हीं की ही एक और क्वेरी है चलिए यहाँ ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कोई टेस्ट अगर दे रहे होंगे अगेन मैं यही कह रही हूँ कि मेरा दिया हुआ आंसर सही है नहीं है देखिए मैं कोई गाइड तो हूँ नहीं मतलब गाइड वो कुंजी होती थी ना जिसमें सारे आंसर सही होते थे तो मैं वो तो हूँ नहीं लेकिन जो आपने मुझे सिचुएशन भेजी है उसके अकॉर्डिंग मैं बेस्ट गाइड कर सकती हूँ ठीक है सो चलिए

थर्ड इज एश्योर द एम्प्लॉय दैट their सैलरी वुड बी क्रेडिटेड सून एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय द रीज़न बिहाइंड द डिले सो चलिए पहले तो ये समझते हैं कि एच को पता होता है नहीं पता होता कि सैलरी जा रही है नहीं जा रही है किसी की अगर एच को को यही नहीं पता कि किसी की सैलरी जा रही है नहीं जा रही है क्या हुआ है तो बहुत ही बेखबर एच हुआ राइट मतलब अगर कोई खाली रिक्रूटमेंट में है अगर आप एक एचआर जर्नलिस्ट एग्जेक्टिव के पास जा रहे हैं जिसके पास पूरी कंप्लीट नॉलेज है सैलरी की तो उसको पता होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगर नहीं गई है तो क्यों नहीं गई है तो जो ये ऑप्शन है कि वो मैनेजमेंट के पास अप्रोच करेगा ये नहीं बैठता क्योंकि एम्प्लॉय को पता होगा कि क्या रीजन है सेकेंड ये भी नहीं बैठता कि फॉलो अप विद अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्यों करेगा उसको पता है ना रीज़न नेक्स्ट इज एश्योर द एम्प्लॉय दैट देयर सैलरी वुड बी क्रेडिटेड सून एश्योर करना एम्प्लॉय को कि क्रेडिट हो जाएगी इसका एश्योरेंस कैसे पता चलेगा जब मुझे पता होगा नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय द रीज़न बिहाइंड द डिले एज पर मी एक एच आर को पता होता है कि सैलरी एम्प्लॉय की आई है नहीं आई है और अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है तो मेरे अकॉर्डिंग ये फोर्थ होना चाहिए एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय द रीज़न बिहाइंड द डिले क्योंकि अगर वो बेखबर एम्प्लॉई है उसे खुद कुछ नहीं पता तो एक अलग बात है एचआर है उसे खुद कुछ नहीं पता तो एक अलग बात है यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दू मैंने ये कहा बेखबर तो मतलब ये है कि अगर उसका दायरा नहीं है सैलरी से रिलेटेड एच का मतलब वो खाली रिक्रूटमेंट्स देखता है उसका सैलरी से नहीं है लिंक ओके तो यहां पर ये यह हो सकता है कि हाँ वो चेकआउट करेगा अकाउंट से या फिर अप्रोच करेगा मैनेजमेंट को पहले देखिए इस केस में अगर उसे नहीं पता है तो वो अकाउंट्स को ही अप्रोच करेगा चेक करने के लिए कि क्या रीजन है और अगर वो एक एच है जो उनकी सैलरीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसे रीज़न पता होगा तो वो खुद बता देगा और वो एक्सप्लेन करेगा रीज़न बिहाइंड रीज़न बिहाइंड द डिले राइट सो so, मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए मैंने आपको सारे एफ्स एंड बर्ड्स बता दिए अगर आपसे कोई सामने से पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि अगर एच आर डेडिकेटेडली फॉर सैलरी है वहां पे और वो सैलरी डील करता है सैलरी की सारी प्रोसेस डील करता है तो उसको रीजन पता होगा और वो एम्प्लॉय को रीजन बताएगा कि क्या डिले का रीजन है अदरवाइज अगर नहीं होता है अगर वो नहीं है लिंक में मतलब वो खाली रिक्रूटमेंट देखता है उसका सैलरी से कोई रोल नहीं है तो ऑब्वियसली वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉलो अप लेगा ओके okay? तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कंप्लीटली क्लियर कर दी है कि क्या रीज़न है राइट आई होप सो आपका ये जो क्वेरी है क्लियर हुई होगी हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट ये जो सेशंस हैं क्वेश्चन आंसर के आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं बिकॉज मैं इस पर भी प्रॉपर टाइम डिवोट कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चन आंसर की क्वेरीज मैं अलग से सेपरेटली ले रही हूँ तो दिस इज ऑल्सो टाइम राइट सो so, अगर बेनीफिशियल है तो सही है अदरवाइज तो आप समझ ही रहे होंगे ठीक है सो चलिए ओके बाय बाय